अपराध छोटा हो या फिर बड़ा, अपराधी को उसके लिए सजा तो मिलनी तय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अपराध की जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया, लेकिन अपराध को अंजाम देने के बाद बदमाशों को लगा कि वो पुलिस से बच जाएंगे। दरअसल मामला कौशाम्बी में महिला बैंक मैनेजर के ऊपर एसिड फेंकने का है, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। घटना में शामिल सभी 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसिड अटैक के पीछे इलाके के फर्जी लोन गैंग के सक्रिय होने की बात कही है। SP हेमराज मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 8 अगस्त को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सैयद सरावा की बैंक मैनेजर दीक्षा सोनकर पर तेजाब से हमला कर दिया गया था। चिल्ला शहबाजी गांव के सामने बाइक सवार 2 युवकों ने स्कूटी को ओवरटेक करने के बाद बैंक मैनेजर पर एसिड फेंका था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की तो एक बैंक कर्मी की भूमिका संदिग्ध लगी। पकड़े गए आरोपियों के पास से 7 अदद मोबाइल फोन, तेजाब फेंकने वाली पीपिया, 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। सभी आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। कल की डेट में 2 लोगों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था, जो कि जेल जा चुके, एक मानसिंह और एक दिलीप। और इस उन्हीं की जो निशानदेही पे उनसे जो पूछताछ की गई, उसकी निशानदेही पे 7 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक रामचंद्र पासी जो कि बैंक में ये बिजनेस करस्पोंडेंट का काम करता है। इसके अलावा एक धर्मेंद्र कुमार है, एक विनोद कुमार पासी, एक संतलाल पासी है, लवकेश पासी है, आजम पुत्र मोहम्मद आबाद और ये औसाफ पुत्र मोहम्मद आबाद, ये थाना चरबा, थाना पीपरी और सरायकेल क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये जो घटना के में जो पूरा डिटेल से हमें जानकारी किया गया है, तो ये जानकारी मिली कि इन लोगों के द्वारा पिछले कई सालों से वहाँ पे ऐसे लोगों को लोन दिलाए जा रहे थे जो कि रीपे करने की कंडीशन में नहीं थे। कुछ KCC के लोन्स थे, कुछ कार लोन्स थे, कुछ पर्सनल लोन्स थे, और उसमें जो रामचंद्र है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, इसी के द्वारा ये लोन सबको दिलाए गए थे। और ये बैंक मैनेजर लास्ट ईयर अगस्त में जब यहाँ पे ज्वाइन की थी, तो उसके बाद में जब उनको पता लगा कि बैंक में काफ़ी खाते NPA होने वाले हैं, तो इन्होंने अपना नोटिस देना और उसके रिकवरी का एक अभियान चलाया, और इसी में इन सब लोगों को नोटिस दिए गए थे। और इसमें ये था कि एक आजम नाम के जो व्यक्ति हैं, इनका एक 3 लोन इनके ड्यू थे, और उसी में इन्होंने बीच में अपना एक अकाउंट में 3 लाख रुपए का चेक जमा कराया था। और जब 3 लाख रुपए का चेक जमा कराया, तो मैडम ने इसमें उनका पैसा रिकवर करके और उसके जो लोन थे 3 चल रहे थे, 2 पर्सनल लोन और 1 कार लोन, उसमें उनका पैसा जमा करा दिया। और एक जो व्यक्ति है धर्मेंद्र, इनके जो जानने वाले हैं, उनका भी एक लोन अमाउंट था जो कि करीब 5.5 लाख रुपये का था, और वो 8 तारीख को NPA होना था। तो इसी में इन लोगों ने प्लान किया कि यहाँ से जब तक इस मैडम को नहीं हटाया जाएगा, तब तक हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो प्लान करके इन्होंने 5 तारीख को ये सारी प्लानिंग की, और 6 और 7 को मतलब टाइम लेकर मंडे को जैसे बैंक में उनको आना था, उसी टाइम पे ये रास्ते में ये घटना इन्होंने कारित किया गया है। जहां घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं पुलिस की इस सफलता के बाद अब चारों ओर सराहना की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।